एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर ग्रिप स्ट्रेंथ एंड देन मार्शल आर्ट्स लेवल, एकदम छाती में हाथ डाल के पेट से किडनी निकाल दिया टाइप। दिस कुड बी एक्चुअली बेटर देन मुग्धर और गदा दैट यू बाय ऑनलाइन। Strength training that is more mobility and coordination focused. And I'll show you how heavy this is. If I try to extend it out, comes just 2 or 3 repetitions of this will become extra challenging for your forearms and for your grip strength. So you can see the grip is almost impossible kind of a thing. And I'm trying to. तो मैं पढ़े-पढ़े देख रहा था ऐसे बाहर की तरफ ना, तो यहाँ पे तूफान वगैरह आता है तो हमारे पेड़ वगैरह गिर जाते हैं पड़ोसियों के घर पे, तो उसको कटवाना पड़ता है। तो बेसिकली ये इस साइज़ में कटे हैं, तो इसको देख के हमने यहाँ पे 3 पीस को सेलेक्ट किया है। एंड नाउ यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग, आर यू थिंकिंग द सेम थिंग? बट यही है, मतलब इसको हम गदा या मुग्धर के जैसे अब यूज़ करने वाले हैं। नाउ इसको होल्ड करना, इसको बैलेंस करना थोड़ा एक्स्ट्रा मुश्किल होने वाला है, बट आई एम गुड विद इट, आई एम ओके विद इट। इसको ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा सा साफ वगैरह करके, थोड़े से शार्प एजेस वगैरह निकालने के बाद आई विल एक्सप्लेन व्हाई दिस कुड बी एक्चुअली बेटर देन अ मुग्धर और गदा दैट यू बाय ऑनलाइन। शाबाश, वेरी गुड। तो इसके बारे में आप जानते हैं, दिस इज अ बेसिक मुग्धर गदा वगैरह जो स्विंग करते हैं वो वाली एक्सरसाइज है। ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नॉट नेसेसरली फोकसिंग ऑन मसल बिल्डिंग, लेकिन उसके साथ साथ इट इज फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दैट इज मोर मोबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन फोकस्ड। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। आई एम मेकिंग अ केस दैट अ सिंपल लॉग ऑफ वुड ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, ये एक्चुअली आपके गदा से थोड़ा सा बेटर हो सकता है। येस, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। आप कहीं से बाजार से आपका एक प्रॉपर वर्कआउट इक्विपमेंट खरीदते हैं, ऑब्वियसली दिस इज बेटर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रिप स्ट्रेंथ एंड फोरआर्म एंड्योरेंस। आपका जो ग्रिप है, आपका जो फोरआर्म एंड्योरेंस है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। चाहे आप मार्शल आर्ट्स करते हो ना भी करते हो, जनरल फिटनेस, इफ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग हु इज एडल्ट, आपको किसी चीज़ को पकड़ के रखना है, कहीं पर पकड़ के रखना है, कुछ वेट उठाना है या फिर किसी को उठाना है, ऑल दिस रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा एफर्ट दैट यू हैव टू पुट इन साइड योर रिस्ट, योर फोर आर्म्स, योर ग्रिप स्ट्रेंथ। एक तरीके से एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दोनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं। इसको ट्रेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपने देखा होगा जिम में मसल्स को वर्क करते हैं, यू कैन वर्क ऑन द फोर आर्म मसल्स एंड ग्रिप स्ट्रेंथ यूजिंग डंबल्स, यू कैन यूज द रेसिस्टेंस बैंड्स, यू कैन यूज स्पेसिफिक एक्सरसाइज टूल्स दैट आर देयर, वो ग्रिपर वाली चीज़ें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स में जो वेपन मूवमेंट्स होते हैं, वुडन वेपन्स, आपके लाठी घुमाना या फिर ऐसा तलवार घुमाना, ऑल दीज यू विल, ये लोगों को पता नहीं है लेकिन जैसे ही आप कोई भी वेपन पकड़ते हैं, इट बिकम्स अ वेरी गुड फोरआर्म एंड्योरेंस एंड ग्रिप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। थोड़ा सा आप 2-3 मिनट कोई भी वेपन को चला के देखेंगे, आपको पता चलेगा अपने हाथ में एक एक्स्ट्रा पावर का। सो बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन मार्शल आर्ट, आई एम सेइंग अ सिंपल गदा एक्सरसाइज, गदा और मुग्धर फेरने की जो नॉर्मल एक्सरसाइज आप ऑलरेडी करते हैं, टू मेक इट इवन मोर फोरआर्म स्ट्रेंथ एंड ग्रिप स्ट्रेंथ ओरिएंटेड, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये हमने यहाँ पे पेड़ वगैरह काटे थे तो यही ढूंढ लिया था। इट्स वेरी सिंपल, इसको अपनी हाइट के साथ ऐसा लगाना है, इट शुड बी ऑलमोस्ट वेस्ट हाइट हाइट एंड थिकनेस शुड बी समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल विद योर सिंगल हैंड, और डबल हैंड भी चलेगा, बिकॉज इतना थिक हैंडल आप चाह के भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ अ थिंग, नाउ व्हेन यू डू द सेम एक्सरसाइजेस, अभी जो नॉर्मल आपकी एक्सरसाइज है जो आप वैसे मुग्धर से करते थे, नाउ व्हेन यू डू इट, दिस विल बिकम जस्ट 2 or 3 रेपिटेशंस ऑफ दिस विल बिकम एक्स्ट्रा चैलेंजिंग फॉर योर फोरआर्म्स एंड फॉर योर ग्रिप स्ट्रेंथ। तो आप बेसिक अपना मुग्धर का जो भी एक्सरसाइज करते हैं, योर बेसिक यू नो इन स्विंग एंड आउट स्विंग, इसके साथ ग्रिप चेंज करना है, नीचे से ऐसे लेके जाना है, ऑल दोज एक्सरसाइजेस यू कैन डू। आई एम सेइंग इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस एक्सरसाइज, अगर आपको ये सब ऑलरेडी आता है, ओनली देन दिस इज अ गुड आइडिया। अदरवाइज अगर आपने रेगुलर मुग्धर के साथ कभी भी ट्रेनिंग नहीं करी है,
एंड देन द फर्स्ट थिंग यू आर डूइंग इज यू ट्राइंग टू पिक अप समथिंग लाइक दिस दिस इज मोर हैवी देन दैट और इसका ग्रिप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. नाउ इफ आई ट्राई टू एक्सटेंड आई विल शो यू हाउ हैवी दिस इज. इफ आई ट्राई टू एक्सटेंड इट आउट दैट इज हाउ डिफिकल्ट इट इज राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी इवन फॉर लिफ्टिंग इट अप ये नहीं उठ रहा है मेरे से राइट. सो टू डू सम एक्सरसाइजेस स्पेशली मुग्धर और गदा फेरने जैसी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज अगर आप इससे करना चाह रहे हैं आई एम सेइंग इफ यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस विद दैट इफ यू ऑलरेडी नो द टेक्निक्स देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस. और इसका अब फायदा क्या है. इसका फायदा ये है कि ये जो इसका ग्रिप है इट इज़ वेरी थिक और जो एक्सरसाइजेस हम इससे नॉर्मली कर सकते हैं इसका एटलीस्ट डबल या फिर ट्रिपल एफेक्ट यू विल फील इन योर ग्रिप. पास आता हूँ लगभग. ज़्यादा पास आने की कोई जरूरत नहीं. अच्छा इतना दूर से है. ज़्यादा दूरियाँ भी हमसे बर्दाश्त नहीं हुई जाएंगी. ओके जी. पास इधर इधर सामने. हाँ. सो यू कैन सी द ग्रिप इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काइंड ऑफ अ थिंग एंड आई एम ट्राइंग टू ये मैं इसलिए कर पाया हूँ बिकॉज इट्स टू हैवी फॉर मी टू इवन होल्ड बट द स्विंग वॉज पॉसिबल बिकॉज दैट टेक्निक आई हैव. ये मेरा कोई एक्स्ट्रा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है वो मैं अभी भी उसको नहीं उठा पा रहा हूँ दैट इट्स टू हैवी बट बिकॉज द टेक्निक वॉज देयर बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस द टेक्निक दैट्स वाई दिस बिकम्स अ गुड आइडिया. एंड नाउ विद सिंगल जस्ट ये दिस इज द डिफरेंस आप एक रेगुलर हैंडल से करते हैं या फिर इन ट्रेडिशनल करला कटाई एंड मुग्धर एक्सरसाइजेस दे हैव द हैंडल्स विच आर नॉट जस्ट सिलेंड्रिकल द हैंडल्स आर समवॉट लाइक दिस कॉनिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं. सो इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर योर ग्रिप एज वेल. सो दीज थिंग्स आर ऑलरेडी थॉट आउट. अगर आप कस्टम वाला मुग्धर कहीं से खरीदना चाहते हैं ऑर्डर करना चाहते हैं बनवाना चाहते हैं ऑल दैट यू कैन डू बट आई एम जस्ट गिविंग यू सिंपल आइडिया दैट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर ग्रिप स्ट्रेंथ एंड देन मार्शल आर्ट्स लेवल एकदम छाती में हाथ डाल के पेट से किडनी निकाल दिया टाइप. पेट में किडनी कहाँ होती है? पेट में वहीं कहीं होती है. कहाँ जा रहे भाई? आई ट्राई एंड डू 10 रेप्स देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं वरना एडिट करके मैं हटा दूंगा राइट. जस्ट लेट्स ट्राई. पास आ जाओ. ये देखो काउंटिंग में भूल चुका हूँ. वो आवाज़ थोड़ा सा अच्छी नहीं आई ना. आवाज़ मैंने आ करके चला उसका एडिटिंग में आ कर देंगे. ओ माय गॉड. सो अब मैं स्क्रीन के थ्रू आपको कैसे समझाऊं कि रेगुलर 10 रेप्स मुग्धर के स्विंगिंग के जैसा नहीं है. आई कैन ऑलरेडी फील इट है ना. आप ट्राई करके देखिए बट बी केयरफुल यू हैव टू नो द टेक्निक राइट. द गुड थिंग अबाउट समथिंग सिलेंड्रिकल लाइक दिस इज आप उसी हाइट का लेंगे जितना आपका ऑलमोस्ट आपका मुग्धर होता है एंड इट हैज़ टू बी दिस थिक क्योंकि इतना अगर आपने थिकनेस नहीं लिया इट वॉन्ट बी हैवी इनफ. अगर आपने छोटा हैंडल पकड़ने की कोशिश करी है अगर आपने छोटा हैंडल वगैरह कुछ पकड़ने की कोशिश करी है द वेट विल नॉट बी दैट मच. एंड बिकॉज इट इज सिलेंड्रिकल आई कैन यूज दिस फॉर ऑल द डबल हैंड टेक्निक्स. जो भी आप दोनों हाथों से द गदा फेरने वाली जो टेक्निक्स होती हैं वो सब इसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे राइट. And the easier one, this is a little more heavy. I have one more. Iska size or thickness aap dekh sakte hain, it's a little less. So ye aap single hand se, it's almost as easy. Isme thoda sa aur main risk le sakta hoon. If I want to, I can do a little more, right? So that's it. What is the difference? The difference is the grip. If I can do the same exercises with almost the same weight, but एक्स्ट्रा ग्रिप दिस इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस. नहीं तो आप अपना ग्रिप स्ट्रेंथ नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है ये सब करने का. बट दैट्स द पॉइंट. इफ यू लाइक दिस टी शर्ट आई एम वेयरिंग यू कैन ऑर्डर दिस ऑन कड़क मच. पीछे चप्पल आ रही है क्या? नहीं आ रही. अब तो आ रही होगी. इफ यू लाइक द धोती आई एम वेयरिंग. इफ यू लाइक द लाइक आई एम वेयरिंग. नहीं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन ऑर्डर दैट ऑनलाइन. And I am going to come up with a video playlist, एक नया course, Muddy Muscles course 4, जिसमें basic मुग्धर exercises जो मैं करता हूँ वो मैं introduce करने वाला हूँ. So if you are interested, stay tuned and धन्यवाद.